मैं निशा आज आप सबके सामने गणेश चतुर्थी पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, श्री गणेश और कुबेरा की। एक बार की बात है, कुबेर को अपने धन वैभव पर बहुत घमंड हो चला था। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं महादेव जी को दावत पर बुलाऊं और उनको वह धन और वैभव दिखाऊं। फिर वो कैलाश पर्वत पर चले गए और महादेव जी से कहा, महादेव जी, हमने अपने घर दावत रखी है, क्या आप हमारे घर आएंगे? महादेव जी उसका संदेशा समझ गए कि इसको अपने धन और वैभव का दिखावा करना चाहता है। फिर महादेव जी ने कहा, हम तो नहीं आ सकेंगे, पर आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो हम अपने पुत्र गणेश को भेज देंगे। पुत्र गणेश जी तैयार हो गए, पर उनको भी पता चल गया कि इसको अपने धन वैभव का दिखावा करना है, तो इसलिए वो अपने मोषक को भी लेकर चले गए। फिर वह महल पहुंचकर उन्हें चांदी और सोनों की दिखावा करने के लिए उन्हें चांदी और सोने की प्लेट में स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। फिर गणेश जी ने एक एक करके सारे पकवान खा लिए और उन्होंने फिर उनकी भूख तभी भी नहीं मिटी और उन्होंने सोना चांदी उनके बगीचों में से फ्लावर सब खा लिए और सब सोना खत्म कर दिया। फिर उनकी भूख शांत नहीं हुई, उन्होंने जलवाया सोना चांदी सब खा लिया। फिर उन्होंने कुबेर को बोला, मेरे को और भी भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। फिर कुबेर जी भागते हुए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और महादेव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मेरे को अपने धन और वैभव पर घमंड हो गया था और मेरे को लगा था कि मेरा खजाना कभी खत्म नहीं होगा और वह आपके पुत्र गणेश ने खत्म कर दिया है, अब मेरा घमंड उसने तोड़ दिया है। तो उनकी भूख अब भी शांत नहीं हुई है और वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। फिर पार्वती जी कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें अपने घमंड का एहसास हो गया। और फिर वो उन्हें एक कटोरी में थोड़े से चावल परोसती हैं और बोलती हैं कि ये कटोरी थोड़े से चावल तुम पुत्र गणेश को दे देना और उन्हें बिल्कुल प्यार से देना। फिर वो उनको बिल्कुल प्यार से एक कटोरी चावल देते हैं और फिर गणेश की भूख मिट जाती है और बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें अपना घमंड का एहसास हुआ। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बाय बाय। पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी स्टोरीज बनाऊं तो आप प्लीज इसको लाइक कर देना। बाय बाय।